नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल मनीष विजय टेक में स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके सामने फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं। आप सभी को दोस्तों मालूम ही होगा कि दिवाली का सीज़न नज़दीक आ रहा है। दिवाली के सीज़न में घर को डेकोरेट करने के लिए हमें जो है लाइट्स की आवश्यकता हो जाती है। लाइट्स में दोस्तों आपको जो है बहुत तरह की वैरायटी आपको देखने को मिलेंगी। अगर बात करें पिक्सल में, डायमंड में, रॉकेट में, इसके अलावा दोस्तों जो है शुगर केन में, इसके अलावा सिलेंडर में, इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे दोस्तों जो प्रोडक्ट मार्केट में नए नए लॉन्च हो गए हैं। बल्ब की साइज़ आपको देखने को मिलेगी 2 mm, 3 mm, 5 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm। आपको जितना बल्ब की दोस्तों क्वांटिटी का आधार पर दोस्तों आप लेना चाहते हो, जिसमें बल्ब की क्वांटिटी ज़्यादा होगी दोस्तों उसकी जो है रेट भी आपको ज़्यादा देखने को मिल सकती है। वैसे दोस्तों आज हम आपके सामने 2-3 वीडियो लेकर आए हैं या 2-3 प्रोडक्ट के बारे में बताने वाले हैं, ताकि आपको जो है पता चल सके कि इसको मतलब क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं। कई बार दोस्तों समस्या ये हो जाती है कि हम समझ ही नहीं पाते हैं कि पिक्सल में लड़ी कौन सी होती है और मल्टी में कौन सी हो गई, इसमें पोस्टेड बल्ब कौन से होते हैं, शुगर केन वाला बल्ब कौन से होते हैं, इसके अलावा पिक्सल में कौन सा होता है, डायमंड में कौन सा होता है, सिलेंडर में कौन सा होता है। उन सभी के दोस्तों जो है परेशानी उठानी पड़ जाती है, तो उस सभी को दोस्तों दूर करने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। और साथ ही साथ आपको बताऊँगा घर के डेकोरेट के लिए दोस्तों आप कितने मीटर में कितने रुपए तक दोस्तों जो है आपको लड़ी देखने को मिलेगी। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं इस टाइप की लड़ी की, आपको दिख रहा होगा 52 मीटर की दोस्तों ये लेंथ है। बॉक्स पर लिखा हुआ है, मैं मेरी तरफ से कुछ नहीं कह रहा, अगर आपको दिख रहा हो तो आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 52 मीटर की दोस्तों इसकी लेंथ है। और 52 मीटर की लेंथ है ये दोस्तों पिक्सल में है। आपको जो बल्ब दिख रहा होगा दोस्तों ये कांच वाला बल्ब नहीं, प्लास्टिक वाला बल्ब है और साइज़ के आधार पर देखेंगे रोशनी भी काफ़ी अच्छी है। पिक्सल LED बल्ब में दोस्तों ये मल्टी कलर में आपको देखने को मिलेगी। 8 फंक्शन दोस्तों जो है ये डिब्बी के माध्यम से आप इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊँ तो 8 फंक्शन में दोस्तों इसको दिया गया है और 45 मीटर से ऊपर इसकी लेंथ है। 52 मीटर इसमें दिखा रखा है, लेकिन आप 45-50 के आसपास देखने को मिलेगा आपको। और कीमत की दोस्तों बात करें तो मार्केट रेट के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तकरीबन 200-250 रुपये के आसपास आपको देखने को मिलेगी। काफ़ी अच्छी है दोस्तों, अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूँगा, आप वहाँ से भी सीधा परचेज कर सकते हैं अमेज़न के माध्यम से। अब बात करते हैं इस टाइप की लड़ी, ये दोस्तों जो आपको बल्ब दिख रहे होंगे 10 mm का एक बल्ब है। बल्ब दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, बार का जो बनावट है वो 10 mm की साइज़ का दोस्तों इसमें बना हुआ है और इसे दोस्तों शुगर कैन बोलते हैं। आप देख पा रहे होंगे इसकी जो बनावट है, आप देख पा रहे होंगे अच्छे तरीके से इसमें जो बनावट दी गई है वो काफ़ी दोस्तों हद तक कैन टाइप का आपको दिख रहेगा। और इसमें दोस्तों जो है ऊपर से गैप भी दिया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। इसकी लेंथ दोस्तों 45 मीटर इसकी लेंथ है, अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हैं दोस्तों। शुगर कैन मल्टी 45 मीटर 10 mm, 10 mm का इसमें जो बल्ब का बनावट है, बार का साइज़ है, बिग साइज़ उसके आधार पर दोस्तों 10 mm देखने को मिल रहा है। और ये जो तो चल रहा है दोस्तों 8 mm का इसमें बताया जाता है, 8 mm या दोस्तों 5 mm का ही होगा मेरे हिसाब से तो, लेकिन 8 mm बोला जाता है। इसकी कीमत की बात करें तो तकरीबन दोस्तों 200-300 रुपये के आसपास आपको देखने को मिलेंगे। 45 मीटर की लेंथ है और ख़ास बात दोस्तों ये है कि दोनों के दोनों दोस्तों कॉपर में बने हुए, मतलब कि कॉपर वायर इसमें दोनों में यूज हुआ है। तो अगर आप परचेज करना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर इन लड़ियों को परचेज भी कर सकते हैं। तो अगर हमारे द्वारा बताए गए जानकारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और दोस्तों हमारे चैनल से खासकर जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज़ाना आपके सामने ऐसी वीडियो आती रहे।